छात्र के दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर रविवार की शाम अभिषेक जायसवाल के परिवार वालों और ग्रामीणों ने 2 घंटे तक एकला चौराहे पर गोरखपुर वाराणसी हाईवे जाम किया। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस वालों ने भी कई बार लाठियां पटकी पर भीड़ भी मुस्तैद रही, लिहाजा अधिकारी नरम रुख अपनाए रखे। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट मिलते ही केस दर्ज करने और अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। किसी तरह एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार और एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे की मान मनोवल पर 2 घंटे बाद भीड़ मानी और देर शाम 7:30 बजे जाम खत्म हुआ, आवागमन शुरू हो सका। आपको बताते हैं कि गिडा थाना क्षेत्र के नौसड़ पुलिस चौकी के एकला बाजार निवासी पान विक्रेता विजय जायसवाल के 22 वर्षीय बेटे अभिषेक जायसवाल की शनिवार की शाम को रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। अभिषेक अपने गाँव के ही 4 दोस्तों नीरज, मोनू, निषाद, काश निषाद व दुर्गेश के साथ शनिवार की दोपहर गांव के बाहर बागीचे की ओर घूमने गया था। दोस्तों ने अभिषेक के चचेरे भाई विपुल के साथ फोन पर करंट लगने से उसकी मौत की सूचना दी। बताया कि वे लोग उसे लेकर जिला अस्पताल आए हैं। दोस्तों का कहना था कि बागीचे के पास टीन शेड के मकान पर सभी लोग बैठे थे, टेबल फैन में करंट आ रहा था, अभिषेक उसी की चपेट में आ गया। जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिलचस्प है कि रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर एकला बाजार के पास सड़क पर रख दिया और जाम लगा दिया। घर वालों की मांग थी कि छात्र के 4 दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए व उन्हें गिरफ्तार किया जाए, साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए मृतक की भाभी आरती जायसवाल, छोटे भाई शांतनु जायसवाल और एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा। साहब लिख के अभी दिए हैं सारी चीजें, सारी मांगे तो आए थे ना, क्या हुआ? ऐसा है, आप लोग अगर बात नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर संवाद नहीं होने देना चाहते हैं, तो आप लोग साइड हो जाइए, ठीक है? यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर बेचारे मृतक है उसके परिजनों से मिलने के लिए, उनका उनकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए आए हैं। सिर्फ यहाँ पर अननेसेसरी स्लोगन मत लगाइए। बताइए क्या हो गया? जो FIR है, एक आदमी सबसे बात कर रहा हूँ। आपको भाई है इसके जी, सब पीछे चलो, सब पीछे चलो। अभी FIR वही सर, पहले चीज लिखनी चाहिए ना उसको, क्या एप्लीकेशन लिख दीजिए तो मैं पहले। बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने बताया नहीं कि एप्लीकेशन चाहिए। हम बता रहे हैं कि बिना एप्लीकेशन के FIR नहीं होती है। सर, ये आपकी बात मानते हैं।
सेकंड बार हमारे क्या रानी को दर्ज है कि चारों को जब पकड़ा गया तो उसमें से इन चार लोगों ने मारा है, तुरंत मैं आपको बताता हूँ पुलिस पकड़ेगी, ठीक है। पर ये सब काम थाने पे होता है, ये सब काम यहाँ नहीं हो सकता, थाने पे होता है। जाने में नहीं सुनवाई होगी, क्या करेंगे हम लोग? आप दिखाइए क्या करते हैं, अगर पुलिस पे पुलिस पे कोई कार्रवाई करनी है मेरे हाथ में नहीं है, पीएम के साथ ही है, आइए उसका देखें, देखा जाए क्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है जब आती है उसके बाद एसपी साहब के पास जाती है, जो कप्तान है उनके पास जाती है, उनके पास से थाने पे आती है, तो थाने पे पहुंची होगी। पर क्या है कि आपने सब यही पर बुला लिया है, आप अभी कॉल करके पूछ लीजिए, अगर आप नहीं जा सकते आप यही पूछ करके चलोगे, कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, हम सब 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 बातचीत कर दिया गया डॉक्टर साहब, सब लोग सब लोग हमको वही करना है, बस उनसे उससे कोई वो जैसे अगर कहते हैं, अगर वो कहते हैं अगर हटवा देंगे तो थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, खुलासा हुआ घूम रहा है वो अकस्वा घूम रहा है, वो पकड़ा गया है, पकड़ाया है, आकाश घूम रहा है, क्या
पी जायसवाल प्रदर्शन इस कारण हमें इसे इंसाफ चाहिए इनकी हमके जो इसमें चार लोग इन्वॉल्व है उसमें से एक को छोड़ा गया है हमारी FIR दर्ज नहीं हुई है इनके साथ कैसा कांड हुआ है वो हमें लिख के डॉक्टर बता रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ है इनके साथ हत्या हुई है हत्या किस तरह हुई है डॉक्टर पोस्टमार्टम में बता रहे हैं कि किस तरह हुई है हत्या हमें ये जान नहीं पुलिस रिपोर्ट लिखी ही नहीं थी हमें यही सबसे बड़ा अनुरोध है कि पुलिस रिपोर्ट लिखे क्यों नहीं क्यों नहीं लिखी गई और उसमें से सुनिए उसमें से चार लोगों पकड़ने के बाद उसमें एक को छोड़ दिया क्यों छोड़ा गया क्या हुआ था तारीख दिया गया था एक बार नहीं दो बार दिया गया था ठीक है अगर सुनिए अगर एसपी साहब कह रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन लिखना चाहिए ठीक है हमें नहीं पता था एप्लीकेशन लेकिन हम जब तारीख आपको गए थे देने के लिए लिखवाने के लिए तो आपको बताना चाहिए ना आपका कानून का फर्ज है हमें बताना अगर कोई गलती हम करें तो आपका फर्ज है हमें बताना ये क्या घटना हुई कब हुई ये घटना सर 3:30 और 4:30 के बीच में हुई है क्या हुआ था पूरा मामला क्या था मामला ये सर गए थे कोई आया था घर से बुलाने कोई लड़का ये गए थे उसके बाद वहाँ क्या हुआ सर हम खुद नहीं जानते हम लोग आप लोगों को हत्या की सूचना कैसे मिली हत्या की सूचना ऐसे जाहिर हो रही क्योंकि बिजली सुनने में आया कि बिजली मारी सर बिजली मारी तो कोई शरीर पे कोई रेप नहीं कोई दाग नहीं कोई कुछ नहीं है डेड बॉडी जो लड़के इनके साथ थे वो यहाँ वहाँ नचा लिए तो घर पे सूचना दिए कि फलाने को हम यहाँ वहाँ लेके जा रहे हैं और ऐसी हो गई वो भी दूसरा सूचना को गार्जियन को सूचना नहीं मिला दूसरे ने सूचना दिया है और वही हत्यारे थे ये मेरे देवर लगते हैं हमने देखा था कि हम हमारे घर के उधर उस वाले सामने से स्कूटी में उठा के ले जा रहे थे उन लोग को अपने भैया को स्कूटी पे ले जा रहे थे अपने भैया से बुरा लटके थे अरे जो एक काला का शर्ट अपना काला शर्ट पहना था और नहीं काला टी शर्ट पहना था और एक जीन्स पहना था उसका नाम था मोनू और नीरज आवकाश ब्रिजेश थे वो सब ले जा रहे थे इनका एलिगेशन ये था कि चार व्यक्ति जेल बुला के ले गए मृतक को और उन्होंने उसकी हत्या कर दी और इनका ये कहना था कि इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है इसी चीज को लेकर आंदोलित थे क्या मांगे तीनों का किस आधार पर माने हैं मुकदमा लिखने की मुख्य मांग थी और ये कह रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट हमको दिखा के जो है क्लियर करिए कि इसमें क्या है इस विषय में जो है कार्रवाई की जा रही है मुकदमा भी इनसे ले ली गई है लिखा जा रहा है आगमन सुचारू रूप से चालू हो गया।